तीन चार आइटम बस और कुछ नहीं है, संगीत नाम से। ओके। और बनाने वाला मेरा है, इडली वड़ा डोसा उत्तपम कट पीस डोसा मसाला डोसा। ठीक है, नारियल चटनी है ना ये, और ये आ गया सांभर। डोसा काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी बैलेंस डिश है, नॉर्मल वगैरह एकदम डिसेंट लगा कि अगर मसाला का बहुत ही यूनिक है और अलग फ्लेवर का टाइप का। हेलो गैस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही पॉपुलर सिटी भिलाई में, और भिलाई काफ़ी पॉपुलर है यहाँ का स्टील प्लांट के लिए, बट यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मिलते हैं। तो इसी यहाँ के स्ट्रीट फूड का हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए भी एक फूड ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। इसमें मैंने काफ़ी जगह पे आपका कुछ फूड ब्लॉग का मैंने कवर कर लिया है, और उसका सबका वीडियो का लिंक अभी चैनल पे है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक भिलाई का एक बहुत ही पॉपुलर इडली डोसा सेंटर, जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी लोग इसको जानते हैं, और इसका नाम है अन्ना इडली डोसा सेंटर, जो कि सेक्टर 6A मार्केट एरिया में है आपका, और काफ़ी पॉपुलर। तो चलिए यहाँ का हम लोग डोसा टेस्ट करेंगे, साथ ही शॉपनर से बात के जानेंगे यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। लोकेशन की बात करें तो भाई साहब ये देखिए आपका यहाँ पे आपका सेक्टर 6A मार्केट है, वेस्ट कॉर्नर में, यहाँ पे ATM लग रहा है, और कॉर्नर से जब इसे आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरफ आपका पानी टंकी है, और टूवर्ड्स ऐसे आप MGM की तरफ जाओगे ना स्कूल की तरफ, तो आपको सामने ही मिल जाएगा यहाँ पे। और काफ़ी भीड़ है भाई साहब, एक्चुअली 8:30 बजे से यहाँ पे काफ़ी भीड़ चालू हो जाते हैं। चलिए चलते हैं, वैसे बात करते हैं, इनका मार्केट सेट दुकान का सेटअप बता देता हूँ मैं। ये वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे इडली डोसा सांभर वाल सब मिलता है, और इनका यहाँ पे और एक स्टॉल लगा था, ये दोनों एक ही शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे उत्तपम वगैरह बनता है। ये उत्तपम का कितना वैरायटी रहता है? ये नारायण मोटा सादा है। अच्छा, ओके। ये उत्तम है। ओके। और कटलीज बनता है। ये चारों उत्तपम है क्या? ये प्लेन उत्तम है, ओनियन उत्तम। अच्छा, ये प्लेन है, ओनियन उत्तम है, और यहाँ पे खाली उत्तपम बनता है। ये कैसे रहता है प्लेट? प्लेट 25 रुपये का प्लेन उत्तम है। अच्छा, ये ओनियन उत्तम 40। अच्छा, 25 और 40 है ना। और ये देखिए उत्तपम बन रहा है अभी, और साउथ इंडियन के मतलब जो भी पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम है ना, सब यही बनता है, इडली डोसा आपका बड़ा सांभर बड़ा और उत्तपम वगैरह। नमस्ते अन्ना। नमस्कार। ये शॉप आपके नाम पे है क्या? दुकान तो संगीता नाम से। ओके। और बनाने वाला मेरा है। तो ये कितने दिन से चल रहा है दुकान? मेरा तो 35 साल हो गया। अच्छा, ये 35 साल हो गया क्या? और इसका शुरुआत कैसे हुआ था, मतलब क्या पहले स्टार्टिंग में क्या बना रहे थे? वही है, इडली डोसा ही है। अच्छा अच्छा, शुरू से वही काम है। और अभी ऐड हुआ क्या उत्तपम वगैरह के? स्टार्टिंग से सब बन रहा था, शुरू से बन रहा था। ओके। ये 3-4 आइटम बस, और कुछ नहीं है। पूरा फैमिली करते हैं यहाँ पे शॉप? नहीं नहीं, हम लोग ये लड़का घर में क्या फैमिली बन कर रहा है। अच्छा, फैमिली। तो यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं आप? इडली वड़ा डोसा उत्तपम कट पीस डोसा मसाला डोसा। और जो पॉपुलर फेमस वाला क्या आइटम है यहाँ पे जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? ज़्यादा इडली वड़ा है। अच्छा अच्छा, इडली वड़ा है। और इसका प्राइस क्या क्या रहता है? इडली का 20 रुपया है। ओके। बड़ा 25 रुपया है, मसाला 30 रुपया, कट पीस 40 रुपया, वो तब 40 रुपया। ओके ओके। यहाँ पे फेमस जो है मसाला डोसा बोल रहे हैं ना? मसाला ही ज़्यादा रहता है, इडली बड़ा ज़्यादा रहता है। ओके। और ये कहाँ पे है ये शॉप लोकेशन? मेरा सेक्टर 6A मार्केट का पास। ओके ठीक है, थैंक यू। अंकल आप कहाँ गए? यहीं के हैं क्या? यहाँ कब से खा रहे हैं आप? ये 16 सालों से। 16 साल से। हाँ। यहाँ पे क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, चटनी है, सांभर है, डोसा है। ओके ओके। साफ सफाई है। अच्छा, साफ सफाई, क्वालिटी अच्छा मिलता है। कितने का ये प्लेट आपने लिया है? हाँ? आपने कितने का प्लेट लिया है? 30 रुपये। 30 रुपये का, काफी अच्छा है खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए ठीक है ना। तो अभी अपना डोसा निकलने वाला है, मसाला डोसा, और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। नारियल चटनी है ना ये, और ये आ गया सांभर। ठीक है भाई,
कौन है? इनका भी एक बाइक ले लो। अच्छा अच्छा आखिर में ले लो। मसाला डोसा यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये, तो इसमें आ गया अपना डोसा मसाला और ये सांभर चट है और ये चटनी है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। सीधा हम लोग मसाले के साथ इसको ट्राई करने वाले हैं और हम लोग थोड़ा सा एक बाइट ले लेते हैं। ये हमने एक बाइट लिया है, काफ़ी बड़ा बाइट है, जूम करके। थोड़ा सा चटनी को अपन टेस्ट करते हैं और काफ़ी गाढ़ा लग रहा है चटनी। चटनी का काफ़ी टेस्ट भी काफ़ी यूनिक है, बहुत ही अलग लग रहा है। थोड़ा सा सांभर देखते हैं, सांभर भी देखिए कितना बेहतरीन बना है। वैसे यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा सा नेचुरल लाइट आ रहा है तो कैसा दिख रहा है देखना पड़ेगा। सांभर का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है अलग जगह से। डोसा की बात करें तो डोसा काफ़ी क्रिस्पी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसका अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो भाई काफ़ी बैलेंस टेस्ट है, नॉर्मल वगैरह एकदम डिसेंट लगा है। इसका अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो भाई काफ़ी जो स्टफिंग किया गया ना मसाला का, वो बहुत ही यूनिक है और अलग फ्लेवर का टाइप का लग रहा है। मुझे लग रहा है इसीलिए यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप आओगे 2-4 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, बट आपको फ्रेश डोसा मिल जाएगा खाने के लिए और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। इसलिए यहाँ पर शायद इतना भीड़ है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर एक बार आकर चेकआउट कर सकते हैं। करीब 30 रुपीज़ का पड़ रहा है मसाला डोसा, और कटिंग डोसा जो है 40 रुपीज़ का, बहुत ही डिसेंट प्राइस पे है। और सुबह करीब 8 बजे तक यहाँ पे खुल जाता है दुकान, और यहाँ पे मिलता है आपका डोसा, इडली, बड़ा सांभर और उत्तपम भी मिलता है। तो मैं पहले इसको खा लेता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस था ना आपका, जो चटनी का जो टेस्ट है ना और सांभर भी, दोनों काफ़ी यूनिक लग रहा है बाकी जगह से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। यहाँ का टाइमिंग कितने बजे रहता है? 8 बजे से चालू होता है। और बंद कितने होता है? 11:30 बजे। अच्छा, ओके। और इडली कितने बजे तक खत्म हो जाता है? 9:30 बजे। 9:30 बजे तक इडली खत्म हो जाता है ना, ओके। और यहाँ पे लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी डोसा को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, अलग अलग जैसा कस्टमर चाहता है वैसा ही बनाया जाता है। और ये बन रहा है मसाला डोसा, बन रहा है ये कट पीस बनेगा इसमें। अच्छा, मसाला डोसा कट पीस दोनों अलग अलग होता है क्या? बनेगा। अच्छा, ये कट पीस बन रहा है ना, इसमें सॉस वगैरह एडिशनल डाला जाता है। तो ये दोनों देखिए कट पीस है, इसमें प्याज वगैरह एडिशनल डाला गया, सॉस डाला गया ना, और वो प्लेन था वो जो वो वाला प्रेस है। अच्छा, देखिए वो वाला नॉर्मल प्रेस है, नॉर्मल प्रेस होता है वो, मसाला नहीं डाला ना उसमें? नहीं, उसमें प्याज वगैरह कुछ मसाला डाले आलू का। अच्छा, सिंपल। और यहाँ पर कट पीस डोसा है, देखिए फाइनल बन के तैयार कट पीस डोसा। देखिए ऐसे उसका कटिंग कर देते हैं, कट पीस डोसा देखिए ऐसे सर्व होता है, ठीक है। तो फाइनली अभी 10 बज चुके हैं, हम लोग यहाँ पे आए थे करीब 9:15-9:30 के आसपास। बहुत ही ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया रहा, एकदम डिसेंट क्वालिटी का डोसा मिला। अब अगर डोसा के शौकीन हो तो यहाँ पे आप एक बार आके चेकआउट कर सकते हैं भाई। 30 रुपये में मसाला डोसा, 40 रुपये में कटिंग पीस मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। तो होपिंग है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। और आप लोग ने सब्सक्राइब किया है लेकिन शायद नोटिफिकेशन ऑफ ऑन नहीं है आपका, तो इसलिए मेरा वीडियो आपके पास ज़्यादा पहुँच नहीं पा रहा था। आप देख, अपन मिलते फिर और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका तो काफ़ी क्रिस्पी है ये, और एक सेकंड यार, थोड़ा सा चला दो भैया इसको, बस चला दो। अब वो वाला चटनी भी चलाते हैं क्या? अच्छा, बैंड है ना, 3-4 लोग वीडियो बना है उसमें, 3-4 लोग का बैंड है। दोस्तों कैसा लग रहा है, कब से खा रहे हो आप? और दो कट पीस बना, ठीक है भैया, ओके।